हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सभी का हमारे प्रीति वेज किचन में। तो आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए एकदम मसालेदार ग्रेवी वाले भरवा बैंगन, जिसे आप बड़े ही आसानी से बना के रेडी कर लोगे। ये बहुत ही पसंद आएगा सभी को। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने छोटे वाले बैंगन लिए हैं। इसकी डंठल को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, ज़्यादा बड़े हैं ये और इसमें कांटे भी रहते हैं, तो उसे भी हम कट करके अच्छे से बैंगन को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके किनारों को भी कट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन के कांटे और डंठल कट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें दो कट लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से कट लगा रही हूँ ताकि इसमें मसाले एकदम अच्छी तरीके से भरें। तो आपको भी इसी तरीके से कट लगा के रेडी कर लेना है। ये देखिए, चार भाग हो जाना चाहिए बैंगन का। तो इस तरीके से हम सारे बैंगन कट करके रेडी कर लेंगे। तो हम कट करेंगे और डायरेक्ट इसे पानी में डाल देंगे ताकि बैंगन काले ना पड़े। तो कट करके हमने सारे बैंगन को यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब हम मसाले रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कप बेसन। बेसन को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे हमें बेसन को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया और अच्छा भुन गया। तो अब हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अजवाइन, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ घर का बना हुआ अमचूर पाउडर। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मसालों को ऐसे ही थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे ताकि हमारे सूखे मसाले जले भी ना और अच्छी तरीके से भुन के रेडी हो जाएं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हींग और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से बंध जाए। और बस हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे बैंगन में अच्छी तरीके से भर के रेडी कर लेंगे। बैंगन में हमें मसाले एकदम अच्छे से भरना है ताकि ये बाहर ना आए। ये देखिए, एकदम इस तरीके से बढ़िया हमें स्टफिंग करके रेडी कर लेना है सारे बैंगन को। तो बस हमारे सारे बैंगन रेडी हैं। अब हम इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और बैंगन को एक एक करके इसी तरीके से हम इस पर लगा देंगे। और अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गया है और इसी तरीके से हम अलट पलट के इसको थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे ताकि हमारे बैंगन थोड़े से कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर से कवर कर दिया है और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया हमारा बैंगन रेडी हो गया है। अब हम तैयार करेंगे ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऐड किया ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जीरा, थोड़ा सा ग्रीन चिली और यहाँ पर मैंने बारीक चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया। अनियन को हम अच्छे से भुनेंगे। तो बस जब इस तरीके से अनियन का कलर चेंज हो जाएगा तब हम ऐड कर लेंगे टोमेटो। इसे भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। टोमेटो को अच्छी तरीके से हम भुनेंगे। तो यहाँ पे हमने टोमेटो ऐड किया है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट और इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम प्रिपेयर करेंगे अपने एक सीक्रेट मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही। दही में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा सीक्रेट मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है और इधर हमारा टोमेटो अनियन भी अच्छे से भुन के रेडी हो गया है। तो अब हम इस दही के मसाले को इसमें ऐड कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें ऑफ़ कर लेना है, उसके बाद दही ऐड करना है ताकि दही फटे ना। इसे ऐड करते ही हमें अच्छी तरीके से इसे मसाले में मिक्स कर देना है और ये दही ऐड करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है ग्रेवी में। तो आप इसे ज़रूर ऐड करें और 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से दही को भुनेंगे। देखिए कितना बढ़िया तेल अलग होने लग गया है। यहाँ पे हमारी ग्रेवी एकदम बढ़िया भुन के रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और जब ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम ऐड कर लेंगे इसमें बैगन। तो एक एक करके हमें बैगन को इसमें सेट कर देना है। सभी बैगन इसमें ऐड करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया के पत्ते और इसी तरीके से हम इसे कवर करके 1.5 से 2 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया, अब हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया मसाले में से तेल अलग होने लग गया। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक चॉप किया हुआ धनिया के पत्ते, और इसे एकदम हल्के हाथों से इसे अलट पलट लेंगे ताकि बैगन टूटे ना, और 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ओपन में ही हम इसे और कुक कर लेंगे। तो बस हमारी सब्जी रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और करेंगे इसकी फटाफट से प्लेटिंग। तो ये देखिए लग रहा ना एकदम बढ़िया मसालेदार भरवा बैगन, देख के ही मुँह में पानी आ जाएगा, ऐसी रेसिपी है ये। तो अगर आपको बैगन खाना पसंद है तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना के ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।